कहते हैं ना हर खाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कहीं से वो आता है, कोई ओरिजिन होता है। तो अब अम्मी बनाने जा रही है, मुझे नहीं पता इस डिश का एक्चुअल नाम क्या था, लेकिन अम्मी इसको कहती हैं चीज़ मसाला। एक खातून थी फरीदा मापारा उनका नाम है, मुझसे बेहद बेहद मोहब्बत करती थी वो। एक दफ़ा मेरे शो पे आई थी, मेरे बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी और मैं उनसे रابطے में भी रहने लग गई थी, इतना कि अम्मी भी उनसे रابطے में रहने लग गई थी। तो ये उनकी ओरिजिनल डिश है एंड आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। मुझे कभी मौका नहीं मिला उनसे पूछने का कि इस डिश का नाम क्या है। वो अब इस दुनिया में नहीं है और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, यू नो, अगर आप लोग इफ़ यू गाइस कैन टेक आउट अ मिनट और उनके लिए दुआ कर लें तो वो मेरे ये बहुत बड़ा तोहफा होगा मेरे लिए। और उनकी बड़ी ज़बरदस्ती डिश थी, अम्मी को मौका भी नहीं मिला उनसे पूछने का कि डिश क्या है। एंड आई थिंक मैं उनको कोई 6 साल से 7-8 साल से जानती हूँ और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वो मुझे भेजती थी ना। आई लव्ड इट। ओके, तो अम्मी बताएं अब क्या होने वाला है। अच्छा, अब इसको आप क्यूब्स में कट कर दोगे, ठीक है? या ठीक है, ये ऐसी डिश है जो हमद को, हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं सोनिया का जो हस्बैंड है उसको भी बहुत पसंद है। हम सबको ये डिश बहुत पसंद है और ये उनकी ही इन्वेंशन है। तो अम्मी हैज़ ट्राई टू कम अ लिटिल क्लोज टू इट। ऑब्वियसली जिस तरह वो बनाती थी उतनी अच्छी तो है ही नहीं और ना ही हो सकती है कभी। सही बात है। यू नो, हर इंसान की अपनी जगह होती है और मेरे ख्याल से उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है अम्मी? हाँ, ज़्यादा छोटी तो नहीं काट? नहीं, सही है। डजंट मैटर, इसका मसाला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यू नो। और ये ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन से बन जाती है। अलाया को भी ये चीज़ पसंद है एंड कॉटेज चीज़ तो होती भी हेल्दी, आप लोग खा सकते हैं। ओके, पीछे से इसको हम काटते रहेंगे, पहले मसाला चढ़ा दें हम। क्या मसाले में क्या प्याज डलेगा? नहीं नहीं, प्याज व्याज कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ टमाटर डलेगा। सोचे प्याज नहीं डलती, वरना पाकिस्तानी खानों में तो प्याज लाजमी डलनी होती है। अच्छा, अब ये डालो तेल। ओके, चलें तेल जितना कम डाले अच्छा है, लेकिन अम्मी घर में बहुत तेल डलता है। अच्छा चलो, अब टमाटर डालो। कितना टमाटर? जो काटा था 4 या 5 टमाटर हैं। जितना मसाला उतना अच्छा, आप सब तो जानते हैं। ओके, सो हमने डाल दिए और लेट्स जस्ट गिव इट अ फ्यू मिनट्स। हाँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। चले ठीक है, हम थोड़ी देर टमाटर को भूनने में लगेंगे। तो जब तक वो भुनता है हम एसी में जाते हैं और आप लोग भी कुछ चाय वाय पी लें। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये तेल ऊपर आ गया है, ये भुन चुका है। तो अब अम्मी आप इसको ब्लेंड करेंगी? ब्लेंड कर लो। हाँ, ओके, सो लेट्स ब्लेंड इट। ओके, ब्लेंड कर लेते हैं, आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाए, टाइम लगता है। हाँ, अब क्या क्या डाल? अच्छा ठीक है, अब चलो, अब इसमें नमक डालो, इसमें हल्दी डालो, कितना कितना लाल मिर्च डालो, मैंने सब निकाला हुआ है। और मैं अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, रुके, ये आप देख रहे हैं सब, सॉरी अम्मा लगा तो नहीं, सब खुद से बता रहा है कि वो क्या है। मैंने आज अम्मी को बोला कि अम्मी एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और लोगों को बताते हैं किस तरह कॉटेज चीज़ बनाती है, मुझे सिखा दे और हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अम्मी मैडम ने आज इतनी मेहनत की है कि लैपटॉप पे, एक्सेल पे कलौंजी, हल्दी, चिली फ्लेक्स, ये सब लिख के प्रिंट करके काट के पेस्ट किया मैंने। कहा अम्मी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम बोलेंगे एडिटर साइट पे लिख देगा चीज़ें, बट अम्मी बेचारी ने की ताकि लोग देख रहे हैं तो वो देख लें कि क्या क्या इसमें डलता है। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें डलती हैं, चिली फ्लेक्स, हाँ, कलौंजी, राई, जीरा, ये तुमने लिखने नहीं दिया था, इतना टाइम नहीं दिया था, और लाल मिर्च, ठीक है ठीक है। और ये हमने अलग से मैंने सनम के लिए निकाल दिया ताकि उसको आसानी हो। तो मैं कितना कितना डालूं? अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, ये 1 चम्मच लाल मिर्च है और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, ठीक है, डालने अंदर। मैं 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है।
इट्स सपोज टू बी स्पाइसी। अच्छा, ये नमक है एक चम्मच, थोड़ा सा हल्का सा कम है, और ये हाँ हंसदे जाएगा, और ये हल्दी आधी चम्मच डाल दें, ठीक है। ओके, ये यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अब इसका जो तड़का बघार देना होगा, ये इन चीज़ों का बघार देना होगा, ठीक है। अब हम अलग फ्राइंग पैन में ये बघार तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तैयार ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा घी घी ऊपर आने दो, फिर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आई डोंट माइंड मेकिंग छोटी छोटी चीज़, आसान चीज़, लाइक मुझे कॉटेज चीज़ पसंद आई वो मैं बनाऊँ, ठीक है। इसमें क्या है, कॉटेज चीज़ बन गई तो दो चार चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा, क्या डालना है, तेल? चले, अब उसको उसका पीछे छोड़ दो बेटा। अच्छा अच्छा, क्या डालो, जल्दी बताओ। अब यहाँ तेल डालो, तेल डालो जल्दी से। ओके, हाँ और डाल दो। सी माय मदर लव्स यू ऑल, व्हिच इज वेरी सैड। बस बस, चलो थोड़ा सा, हाँ बस बस सही है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा गर्म होने दो उसको। ओके, राई दाना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। आई लव इट। ओके, ये धुले हुए हैं? धुले हुए हैं, मैं हमेशा धो के रखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या डालूँ, गर्म हो गया है, बहुत गर्मी हो गई किचन में, तो गर्मी होती है ना अम्मा, आप कभी किचन में खड़ी हुई हो तो आपको पता चले। मैं हमेशा खड़ी होती हूँ, ये तो ना बोलो तुम। अरे चलो, वैसे मुझे रोज नाश्ते बनाते हैं, खाने बनाते। चलो वो होने दो, कोई बात नहीं, उसको होने दो। अब आप चलो ये दोनों डालो, ये पहले ये डालो। कलौंजी? हाँ, कलौंजी है। I'm so proud of you. This is kalonji and this is rai dana. Very nice. ठीक है, डाल एक एक टीस्पून। ओके, ये चार से पांच लाल मिर्च डालें, और जीरा भी आधा आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप डालोगे? आप डालें, आप डालें। भाई जब आना और आवाज आ रहा है। चलो अच्छा, ये थोड़ा गीला है लेकिन कोई बात नहीं। चलो ये डालो। हो सकता है आप लोग भी रेसिपी अपने घर पे बनाते हो, और अगर बनाते हो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये एग्जैक्टली यही रेसिपी होती है। प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि मज़ीद चीज़ के साथ आप क्या कर सकते हैं। चलो अब सारा मसाला इसमें डालो जल्दी से। हाँ डाल दो, डाल ये टमाटर वाला। चलो मसाले ऊपर उड़ उड़ के आ रहे हैं। दिस इज़ वन डिश जो हमारे घर में सब बहुत पसंद से खाते हैं। वैसे तो रोटी के साथ नहीं खाते हैं हम, कांटे के साथ खाते हैं, लेकिन रोटी के साथ भी मज़े की लगती है। बस ये रेडी हो गया, हमने सिर्फ निकालना है इसको, डिश आउट करना। हाँ अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी चीज़ है वो ज़्यादा सख्त ना हो, नरम हो, है ना अम्मी? नरम होती है तो ज़रा चूई मज़ेदार लगती है। मुझे इतनी जोर का छींटा लगा कि मैं बिल्कुल ही पीछे हो गई ना, कि अम्मी करे अब उनको जो करना है। बस सही है? हाँ आप बताएं। हो गया, डन हो गया तो हो गया। आप इसको डिश आउट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक तेल, गाइस आई एम सॉरी, तेल हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया एक्साइटमेंट में, लेकिन आप लोग तेल कम इस्तेमाल करना। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं, जैसे कि आप लोग को लास्ट टाइम बताया, खाने वाने बना के वो तस्वीरें भेजती हैं हमें, या फिर मेन्यू बता देती हैं, आज ये बन रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं सारे, और फिर बेचारी अम्मी घर में है, मालूम है तुम्हें? कभी सोचा? हाँ, कभी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, मालूम है? था। नहीं नहीं बता दो, ताकि हम आ जाए आपसे मिलने। जी भूखे भूखे बच्चे, लालच देनी होती है आप लोगों को। हम लोग समझोगे हम इतने बदतमीज बच्चे के खानों के लिए आते हैं? नहीं नहीं ऐसी बात, बता दें आपकी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरी बेटियाँ वाकई में बहुत अच्छी हैं, बेटों से कम नहीं है। थैंक यू। और ये हमारा चीज़ मसाला तैयार। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने जाके रिलैक्स करना है, क्योंकि आज हमने बहुत मेहनत कर ली है। और थैंक यू सो मच अम्मी। एक्चुअली लास्ट टाइम जो आपने और मैंने और अनम ने वीडियो बनाई थी ना, हमने ऐसी तफरी तफरी में संडे को जो वीडियो बनाई थी, उस पर लोगों ने, मैंने क्योंकि कहा था कि अम्मी खाउसे बहुत अच्छा बनाती हैं, नेक्स्ट खाउसे, तो लोगों ने कहा है प्लीज़ आप अपनी अम्मी से कहें कि खाउसे बनाए, हम देखना चाहते हो कैसे बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विंटर्स में बनाएंगी। तो अम्मी जब अच्छा। बना, मुझे पता है वैसे नहीं बनाएंगी, जब ये बना रही होंगी किचन में तो कैमरा लेके मैं घुस जाऊंगी कि अम्मी क्या करी किस तरह करी, तो उसी तरह आपको पता चल सकता है, वरना पटाना पड़ेगा, थोड़ा हाथ पांव दबाना पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखें,
चीज़ मसाला ट्राई करें, अपनी रेसिपी हमें बताएं, आपकी अम्मी की फेवरेट, आपकी कौन सी ऐसी डिश जो आपको आपकी अम्मी की सबसे अच्छी लगती है वो बताएं। अगर इसके साथ कुछ आप करते हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं ट्राई कर सकूं और अपनी अम्मी को और अम्मी को खिला सकें। मैं तो कहने वाली थी अम्मी को भी सिखा सकूं। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़। अम्मी आप भी बाय करना। खुदा हाफिज़।